इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। हम जहां रहते हैं हमारे लिए वो सब कुछ हमारी दुनिया है, हमारा संसार होता है, लेकिन सही मायनों में दुनिया काफी बड़ी है और इसी दुनिया में बने नरक के दरवाजे के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये बात है उस नरक के दरवाजे वाले एक बड़े गड्ढे की, जिसमें पिछले 47 सालों से लगातार आग जल रही है और वो भी ऐसी जिसे आज तक कोई भी काबू नहीं कर पाया है। ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान में दरवेज शहर में मौजूद है। दरअसल ये गड्ढा एक गैस का ज्वालामुखी है, जो कि जमीन के अंदर मौजूद मीथेन गैस के चलते 1971 के बाद से लगातार जल रही है। हालांकि ये गड्ढा बना कैसे, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1971 में सोवियत के इंजीनियर ने यहाँ सर्वे किया, जिसके बाद पता चला कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज जगह में जमीन के अंदर भारी मात्रा मैग्नीज तेल मौजूद है और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए उन्होंने इस जगह की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन खुदाई अभी ज्यादा हुई नहीं थी कि इससे पहले ही पता चल गया कि यहाँ तेल नहीं बल्कि कुदरती तेल मौजूद है और इसीलिए यहाँ खुदाई का काम बंद कर दिया गया। वही एक दिन यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें पूरा कैंप एक बड़े गड्ढे में धस गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मौजूद इंजीनियर्स को मुश्किलों में डाल दिया गया, क्योंकि अब तक जो गैस जमीन के नीचे थी वो बाहर आने लगी थी। ये गैस इंसानों और वातावरण दोनों के लिए काफी हानिकारक थी। ऐसे में इससे रोकने के लिए फैसला लिया गया कि इसमें आग लगा दी जाए, और किया भी ऐसा ही गया। लेकिन इंजीनियर्स ने बिना सोचे समझे जो आग लगाई वो अब तक नहीं रुकी, और ऐसे में इस आग को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।